हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कंप्यूटर सॉल्यूशन में। आज मेरे सामने एक लैपटॉप है जिसका मॉडल नंबर मैं आपको ये है लैटीट्यूड E6430। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कीबोर्ड को किस तरह से चेंज करते हैं। इसमें लोगों का बहुत सारा कन्फ्यूजन है, तो चलिए वीडियो को आप देखते जाइए और आगे सारे प्रोसेस बताऊँगा मैं। आपके पास एक ओपनर होना चाहिए और ये साइड में जो पैनल देख रहे हैं आप कीबोर्ड के नीचे लगा है, उसको इस ओपनर के थ्रू नीचे दबा के ऊपर की तरफ थोड़ा सा, ये देख सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो ये खुल जाता है। अभी खुलने के बाद दोस्तों आपके लैपटॉप में क्या होगा, ये देख सकते हैं जो ये होल है, यहाँ पर दो स्क्रू लगे होंगे। उन स्क्रू को आपको ओपन कर लेना है। वो सारे स्क्रू जब आप ओपन कर लेंगे दोस्तों, उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है मैं बता देता हूँ। सिंपली कीबोर्ड को नीचे की तरफ घींच देना है, नीचे की तरफ घींचे और नीचे एक स्ट्रिप लगा होगा, देख सकते हैं जैसे कि अपना। अब स्ट्रिप खोलना तो आपको आता ही होगा, सिंपली उसके लॉक को ओपन कीजिए और ये आपका स्ट्रिप खुल गया। स्ट्रिप खुलने के बाद इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली दोस्तों, जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये देख सकते हैं ये जो केबल दिया हुआ है, जब आप नया कीबोर्ड मंगाएंगे तो शायद उसमें केबल नहीं होता है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये केबल पहले ओपन कर लूँ मैं। जैसे कि देख सकते हैं ये नया कीबोर्ड है और नया कीबोर्ड में खाली ये मदरबोर्ड दिया हुआ है कीबोर्ड के साथ, बट केबल नहीं दिया है। तो दोस्तों ऐसा ना हो कि केबल को आप फेंक दें, इस केबल को सबसे पहले ओपन कर लीजिए और केबल को ओपन करने के बाद दूसरे कीबोर्ड में आपको इसको सिंपली जैसे लगा हुआ था वैसे लगा देना है। ये केबल हमारा ओपन हो गया है, चलिए इसे दूसरे कीबोर्ड में लगा देते हैं। तो केबल लग चुका है, चलिए इस कीबोर्ड को फिट कर देते हैं। फिट करने के लिए सिंपली आपको जैसे मैंने बताया था, मैं फिट करके भी दिखा देता हूँ। इस कीबोर्ड में ये स्ट्रिप लगा हुआ है, इस स्ट्रिप को आपको सिंपली यहाँ पर इसके कनेक्टर में लगा देना है। ये देख सकते हैं आप, ये लग गया, इसे लॉक कर दिया मैंने। उसके बाद सिंपली लॉक को लॉक में लगाने के लिए पहले आपको कीबोर्ड को ऊपर की तरफ से लगाना है। उसके बाद ये देख सकते हैं ऊपर एक लॉक दिया हुआ है कीबोर्ड का, ध्यान रखिएगा उस लॉक को अच्छे से लगा देना है आपको अंदर की तरफ ढकेल के। ये कीबोर्ड ऊपर की तरफ से लग गया है और नीचे दोस्तों जो स्क्रू लगाने का होल दिया हुआ है उसमें आप स्क्रू लगा देंगे। मैं स्क्रू नहीं लगा रहा हूँ बट आप लगा दीजिएगा। उसके बाद सिंपली ये जो पैनल दिया हुआ था, पैनल को आपको लॉक के हिसाब से लगा के दबा देना है। तो बस इतना ही था दोस्तों वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कंप्यूटर लैपटॉप के सॉल्यूशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और वीडियो पे किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट पे लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।